हेलो दोस्तों, आई हूँ सुजीता भास्कर। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे एयरपोर्ट्स एंड पाइपलाइंस इन इंडिया मैप। ठीक, हमारा 10th का ये सेशन कंप्लीट होने वाला है। मुश्किल से 4-5 चैप्टर और बचे हैं, बाकी का ये 10th कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हम अदर क्लासेस के हो सकेगा तो लेकर आएंगे। फिलहाल आज हम देखेंगे एयरपोर्ट्स एंड पाइपलाइंस इन इंडिया मैप। ठीक, जिसमें पहले हम देखेंगे आयल बेयरिंग स्ट्रेटा। ठीक, आयल बेयरिंग स्ट्रेटा को हमने किससे डिनोट किया है? हमने इसको येलो कलर से ये डिनोट किया है, एरिया पूरा जिसमें स्टेट हम आपको बता दे रहे हैं। और बाकी ये मैप में हमने पहले से ही बना रखा है। इधर से हम देखें तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया यहाँ पे। फिर इसके नीचे हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर यहाँ पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ संपर्सब झारखंड हो गए, और ये वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, गंगटोक हो गया, सिक्किम हो गया, और यहाँ पे आसाम हो गया, फिर यहाँ पे ईटानगर, और इधर हमारा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। इधर आते हैं तो हमारा उड़ीसा, फिर नहीं यहाँ वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हो गया, हाँ तमिलनाडु हो गया यहाँ पे एंड, फिर केरला हो गया। इधर आते तो हमारा गुजरात हो गया, संपर्सब महाराष्ट्र हो गया और राजस्थान हो गया। ठीक, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं स्टेट। बाकी स्टेट पूछा नहीं जाता, आप ऐसे मतलब पूछ भी लेंगे तो आप आसानी से बता सकेंगे, और ऐसे एरिया पूछा जाता है आप एरिया ऐसे बना के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर हमारा क्या आएगा सेकेंड, अब हम देखेंगे ऑयल रिफाइनर्स एग्जिस्टिंग। ठीक, जिसको हमने ये ब्लू कलर से डिनोट किया है, इसको हम देखेंगे जो क्या है, ऑयल रिफाइनरीज एग्जिस्टिंग। ठीक, यहाँ पे ऑयल रिफाइनर होता है, मतलब रिफाइनिंग होती है, तो उसको हम देख, पहला क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया तराला। ठीक, ये हो गया क्या, दराला हो गया हमारा। फिर यहाँ पे आएगा, आप लोग ने इसको कई बार पढ़ा है, बारानी हमारा। ठीक, ये बारानी हो गया और यहाँ पे दराला हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा, बारानी के बाद यहाँ पे इसको हम ऐसे करके यहाँ पे लिखते रहे हैं, ये हो गया हमारा, इसको भी हमने पढ़ा है, बोंगाई गांव। ठीक, बोंगाई गांव हो गया। बाकी ये जो है हमारा, इसको हम ये यहाँ पे लिखते रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, नहर कटिया। ठीक, नहर कटिया हो गया, ये भी फिर से मिलेगा आपको इसके लिए भी, जो क्या है, ऑयल फील्ड है। ठीक, तो नहर कटिया हो गया, अभी ऑयल फील्ड के लिए भी ये है, दो आप देख सकते हैं यहाँ पे पास पास में है, जो ऑयल रिफाइनरीज के लिए भी एग्जिस्ट करता है और ऑयल फील्ड के लिए भी हो सकता है, मतलब है। और ये हो गया हमारा दराला, बारानी, बंगाई गांव और ये हो गया नहर कटिया। आगे क्या हमारा, आगे है हमारा, और फिर ये क्या आता है हमारा, ये हो गया डिगबोई हो गया ये हमारा। ठीक, तो ये नॉर्थ से शुरू हुआ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का हमारा खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ अभी, ये खत्म हुआ ऑयल रिफाइनरीज एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक, एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है, फिर अब इसे हम ड्रॉप कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं दराला, फिर बारानी क्योंकि यहाँ बिहार में है, और ये बंगाई गांव आप देख सकते हैं आसाम में है, ये नहर कटिया हमारा ये भी आसाम में है,
ये डिगबोई हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहाँ पे आते हैं, हम इसे हम रख कर दे रहे हैं जरूरत के अनुसार, इतना ही रख कर रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, कोलकाता। कोलकाता सभी जानते हैं, तो कोलकाता में एक और चीज ऐड कर लीजिए, किसके लिए, ऑयल रिफाइनरीज के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये हो गया विशाखापट्टनम। विशाखा, एक मिनट इसको हम नीचे लिख देते हैं, ताकि इधर का यहाँ पे लिख सकें। ये क्या हमारा विशाखा, विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम। ठीक, विशाखापट्टनम ऐसे बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज फिर से आ गया ये विशाखापट्टनम, किसके लिए, ऑयल रिफाइनरीज के लिए। और ये क्या हमारा, चेन्नई सभी जानते हैं, ये है चेन्नई। चेन्नई, ठीक, चेन्नई हो गया हमारा। चेन्नई जो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, ये क्या है, ये कोची है, कोची। ठीक, कोची हो गया ये। तो हमने क्या क्या देखा, कोलकाता, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोची हो गया। अब क्या देखेंगे, आप चाहे इसको ऐसे लाइन से याद कर सकते हैं, के बी सी और के यानी कोलकाता, भी मतलब विशाखापट्टनम, सी फॉर चेन्नई, और ही के कोची हो गया हमारा, लाइन से हो जाएगा। आप एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक, यहाँ पे ऐसे करके लाइन डी बी बी, और फिर यहाँ पे क्या था, एन और डी, डी बी बी एन डी। ठीक, एक लाइन ऐसे बना के याद कर सकते हैं, बाकी एक यहाँ से यहाँ पे ऐसे के बी सी, के बी सी, और यहाँ पे के हो गया, ऐसे लाइन बन गई। मतलब अपने तरीके से आप याद कर सकते हैं, बस हम बता रहे थे आपको ऐसे कर। बाकी ये इधर आते हैं हम, तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे। ठीक, ट्रॉम्बे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये हो गया हमारा ट्रॉम्बे और कालोल, और ये क्या हो गया, कांडला। ठीक, क्या क्या हो गया, ट्रॉम्बे, कालोल और कांडला, ये तीनों गुजरात में है। ऐसे लाइन बन गई, टी के, टी के या के टी, आप जैसे पढ़ना चाहें इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ऑयल रिफाइनरीज हो गया। ठीक, ऑयल रिफाइनरीज हमारा खत्म हुआ। अब क्या आएगा, अब आएगा ऑयल फील्ड्स। ठीक, ऑयल फील्ड्स भी हम देख लेते हैं, पहले इसको रख कर देते हैं। अब हम देखेंगे ऑयल फील्ड्स, ठीक, जिसको हमने पिंक कलर से स्क्वायर शेप में कलर किया, इस पे आप देख सकते हैं। तो ये पहला क्या हो गया हमारा, कालोल, हमने अभी इसके लिए भी पढ़ा था, किसके लिए, ऑयल रिफाइनरीज के लिए, कालोल ऑयल फील्ड के लिए भी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप दो चीजें एक साथ याद कर सकते हैं, कालोल दो चीजें के लिए है, इसके लिए ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड के लिए। तो चाहे कोई ये पूछे या ये पूछे, कोई एक बताना है तो आप एक नाम कालोल बता सकते हैं, कालोल। ठीक, जैसे पूछना है कोई एक ऑयल रिफाइनरीज का नाम बताइए तो आप बता सकते हैं कालोल, या कोई एक ऑयल फील्ड का नाम बताइए तो आप बता सकते हैं कालोल। ठीक, तो ये हो गया हमारा कालोल। दूसरा क्या हो गया, अंकलेश्वर हमारा, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर हो गया। ठीक, अंकलेश्वर हो गया हमारा। इसके बाद कांबे हो गया,
कॉम्बे के बाद ये क्या है, ये हमारा है बॉम्बे हाई। ठीक, बॉम्बे हाई हो गया ये, तो इस गुजरात के साइड इधर के ही साइड है, और कुछ यहाँ पे आयरपील पाए जाते हैं, केवल इधर वेस्ट के साइड ऑयल फील्ड और ईस्ट के साइड ऑयल फील्ड है। तो चार यहाँ पे हैं, चार यहाँ पे हैं, आठ आसानी से आप याद कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट करके। तो वेस्ट साइड का हमने क्या क्या देखा, वेस्ट साइड में हमने देखा कालोल, फिर अंकलेश्वर, उसके बाद कॉम्बे देखा, और लास्ट में हमारा बॉम्बे हाई। ठीक, फिर और क्या आएगा हमारा, ये हो गया इतना पार्ट हमारा वेस्ट का, अब ईस्ट का भी देख लेते हैं हम। उससे पहले हमने ये देख लिया है ऑयल बेयरिंग स्टेट और ऑयल रिफाइनरीज एग्जिस्टिंग भी देख लिया, तो इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं और ये वाली चीज को यहाँ पे उठा के कर दे रहे हैं ताकि ये नीचे लिखा जा सके। ठीक, इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, हमारा वो दोनों हो गया था। ये जो हमारा है ऑयल फील्ड, ये हो गया हमारा ऑयल रिफाइनरीज अंडर कंस्ट्रक्शन, ऑयल रिफाइनरीज रिफाइनरीज के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ऑयल कंस्ट्रक्शन। ठीक, अंडर कंस्ट्रक्शन, अब हम इसे रख कर दे रहे हैं। अभी वाला पार्ट हम नीचे लिख सकेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा, ये वाइट वाला पार्ट हम रब कर दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या हम क्या देखेंगे, तो इधर हमने देखा क्या, और ऐसे करके देखते हैं ताकि ऊपर वाला यहाँ पे आ जाए। हमने पहले भी बताया था इसे नहर कटिया दोनों के लिए है, किसके किसके लिए, ऑयल हमारा रिफाइनरीज के लिए था और ऑयल फील्ड के लिए था। रिफाइनरीज में हमने लिखा था, फिर से ऑयल फील्ड के लिए भी लिख दे रहे हैं क्या, नहर कटिया, नहर कटिया, नहर कटिया। ठीक, इसके बाद क्या आता है हमारा, ये हो गया मोरान, मोरान हो गया, और फिर ये क्या हो गया, माकुम हो गया, नहर कटिया, मोरान, माकुम, और क्या लास्ट बचता है, डिगबोई। डिगबोई हमने पहले ही उसके लिए लिखा है, किसके लिए, ऑयल रिफाइनरीज के लिए, बाकी ये ऑयल फील्ड में भी है, तो इसको हम एरो करके ऐसे दिखा दे रहे हैं दोनों के लिए। ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं, मतलब उसी की तरह जैसे हमने कोलाल बताया था आपको, कालोल, सॉरी कालोल बताया था कि कोई एक पूछे तो आप ये बता सकते हैं। वैसे दो तीन आप आसानी से याद कर सकते हैं जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए कॉमन है। अगर आप ऐसी चीज़ों को याद करते हैं तो छोटी चीज़ों में आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और मतलब जैसे कि एक चीज़ है तो आप कई चीज़ें उसमें याद कर सकते हैं एक ही चीज़ के लिए। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कोई बात नहीं, डिगबोई हो गया हमारा। अब हमने क्या क्या देख लिया, वेस्ट में देख लिया, ईस्ट में देख लिया, ईस्ट में क्या क्या देखा, डिगबोई देखा, फिर यहाँ पे माकुम देखा, फिर मोरान देखा, और नहर कटिया देखा, NMMD। ठीक, ऐसे पढ़ सकते हैं। और इधर तो KACB हाई, कोलाल, अंकलेश्वर, कांबे और बॉम्बे हाई, आप देख सकते हैं इसको। अब हम क्या देखेंगे,
अब हम देखेंगे, ये भी हमारा हो गया। लास्ट हमारा क्या बचता है? ऑयल रिफाइनरीज। ठीक, अभी लास्ट नहीं है, अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको अभी बाद में बना के दिखाएंगे। ये मैंने सोचा अगर साथ में बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इस वजह से मैंने सोचा ये पहले पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद जो लाइनिंग वाली चीज़ है मैं आपको अभी पाइपलाइन वाली, ऑयल पाइपलाइन भी है, दो तीन और हैं, तो अभी इसके बाद हम उसको शो करेंगे मैप में और फिर पढ़ेंगे। ठीक, पहले ये लास्ट देख लेते हैं ऑयल रिफाइनरीज, फिर उसके बाद उसको देखेंगे और उसके बाद थ्योरी देखेंगे, ये एंड हो जाएगा चैप्टर। तो इसे हम रब कर देते हैं पहले। ये जो हमारा बचता है क्या? ऑयल रिफाइनरीज अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी हमने एग्जिस्टिंग देखा था ऑयल रिफाइनरीज, एग्जिस्टिंग यानी कि मतलब दोनों ही ऑयल रिफाइनरीज है, तो अंतर क्या है? रिफाइनरीज एग्जिस्टिंग मतलब वहाँ पे ऑयल रिफाइनिंग होती है, एग्जिस्ट करता है, और अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब ये अभी काम यहाँ पे चल रहा है कि यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होगी, उसके ऊपर काम चल रहा है हमारा कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बन रही है चीज़ें। ठीक, तो ये ऑयल रिफाइनरीज हम अंडर कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अब पहले हमने क्या देखा? एग्जिस्टिंग देखा, अब हम देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो ये हमारा दो ही है, बाकी बन गया है, ये है हमारा क्या, ये हो गया हमारा जगदीशपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर। ठीक, और लास्ट क्या हमारा? करनाल। ठीक, ये दो ही है हमारा क्या? ऑयल रिफाइनरीज अंडर कंस्ट्रक्शन दो ही है क्या? जगदीशपुर यूपी में है और करनाल हमारा हो गया। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? गैस पाइपलाइंस देखेंगे और ऑयल पाइपलाइन देखेंगे जो प्रोजेक्टेड में भी है, और ऑयल पाइपलाइंस देखेंगे जो एग्जिस्ट करती हैं, पहले से मतलब बन चुकी हैं, वहाँ पे काम चालू है, काम लगातार हो रहा है मतलब कंटिन्यूसली। तो इसको हम पहले रब कर देते हैं, फिर उसको शो करते हैं मैप में। क्या देखेंगे हम? अब हम देखेंगे पाइपलाइंस हमारे। ठीक, कौन कौन सी पाइपलाइन देखेंगे? ऑयल पाइपलाइंस देखेंगे जो एग्जिस्टिंग में है, यानी उस पर काम चल रहा है हमारा, मतलब वो प्रयोग में है हमारे। फिर ऑयल पाइपलाइंस प्रोजेक्टेड जो अभी प्रोजेक्ट में चल रहा है, फिर गैस पाइपलाइन। ठीक, तो पहले हम ऑयल पाइपलाइंस और लाइन्स प्रोजेक्टेड देख लेते हैं, क्योंकि ये चार ही है हमारा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक, ये चार पहले हम देख लेते हैं, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा तो आप शायद ना समझ पाएँ, इस वजह से हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो ये पहला क्या हो गया हमारा, इधर हम लिख देते हैं दिल्ली, दिल्ली हो गया हमारा, और ये नहीं पहले ये लिख देते हैं, ये हो गया बठिंडा, बठिंडा हो गया जो दिल्ली से जुड़ा हुआ है, और पाइपलाइंस प्रोजेक्टेड, ये प्रोजेक्टेड है हमारा और वो एग्जिस्टिंग में है, एग्जिस्टिंग। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा सवाई माधोपुर, माधोपुर, माधोपुर। ठीक, और ये क्या है हमारा? ये है कांडला। ठीक, कांडला हमने दो चीजों के लिए और पढ़ा था, और ये तीसरी चीज आ गई। ठीक, तो क्या क्या हो गया? ऑयल पाइपलाइंस प्रोजेक्टेड, ठीक, एग्जिस्टिंग में, प्रोजेक्टेड में क्या क्या आएगा हमारा? बठिंडा हो गया, दिल्ली हो गया, सवाई माधोपुर और खांडला हो गया। ये चार किसमें हो गए? ये चार हो गए ऑयल पाइपलाइंस प्रोजेक्टेड में। ठीक, अब हम क्या देखेंगे? अब हम पहले गैस पाइपलाइन देख लेते हैं, क्योंकि सबसे कम क्या था हमारा?
सबसे कम हमारा ऑयल पाइपलाइंस प्रोजेक्टेड था, फिर उससे थोड़ा ज्यादा क्या है गैस पाइपलाइन से, फिर सबसे ज्यादा हमारा ऑयल पाइपलाइन जो एग्जिस्टिंग में। ठीक, तो इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, अब इसे देख लेते हैं। तो पहले इसको रब कर देते हैं हम, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ये हो गया दिल्ली, और ये पथिंदा। तो अब हम क्या देखेंगे, अभी हो गया हमारा गैस पाइपलाइन, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ तक क्या है और बीच में यहाँ पे मुड़ा और यहाँ पे मुड़ा। ठीक, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा दराला, दराला हो गया, फिर आला डीए, दराला आला और एस, ऐसे क्या ऐसे हो गया शाहजहानपुर, शाहजहानपुर। ठीक, शाहजहानपुर हो गया, शाहजहानपुर डी ए एस, और फिर क्या बचता है डी ए एस, यहाँ पे अगर हम आए तो ये हो गया हमारा जगदीशपुर, जगदीशपुर। ठीक, जगदीशपुर हो गया, और हो गया हमारा क्या औरैया, ये क्या हो गया विजयपुर, औरैया विजयपुर, और ये छोटू क्या हो गया अंता। ठीक, बाकी ये चीज जो है ये सबके लिए, तीन चीज के लिए कॉमन है। ठीक, तीनों चीज के लिए कॉमन है, क्या सवाई माधोपुर। कोई भी आपसे पूछे ऑयल पाइपलाइंस एग्जिस्टिंग का, मतलब किसी एक ऑयल पाइपलाइन एग्जिस्टिंग का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं क्या सवाई माधोपुर, या पूछ सकता है ऑयल पाइपलाइंस प्रोजेक्टेड पूछे पेपर में, या कोई भी या कहीं भी आपको जरूरत पड़े तो आप बता सकते हैं सवाई माधोपुर। फिर कोई आपसे पूछ ले किसी गैस पाइपलाइन का नाम बताइए, तब भी आप बता सकते हैं क्या सवाई माधोपुर। ये तीनों चीज के लिए कॉमन है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सवाई माधोपुर, कहाँ लिखूँ मैं, ये हमारा सवाई माधोपुर अभी हमने लिखा था जस्ट, फिर से लिख दे रहे हैं। सवाई माधोपुर, ठीक, सवाई माधोपुर। तो हमने क्या क्या देखा गैस पाइपलाइन में, पहला हो गया हमारा दराला, फिर आवाला, और फिर यहाँ पे शाहजहानपुर, फिर यहाँ पे क्या यहाँ है जगदीशपुर, और ये औरैया, फिर विजयपुर, और ये अंता, और यहाँ पे सवाई माधोपुर। ठीक, अब क्या पहले हम रब कर देते हैं, फिर आगे लिखते हैं क्या, इधर का इसे रब कर दे रहे हैं। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया रतलम, और फिर सी फॉर खांबे, आर सी एच, और एच के एच फॉर क्या हो गया हजीरा।
ठीक आर सी एच, और रतलम कॉम्बे हजीरा हो गया, और लास्ट क्या बचता है हमारा, यहाँ पे लिखते रहे हैं, यह है हमारा ट्रॉम्बे, 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 ठीक आर सी एच टी, आर सी एच टी, रतलम कॉम्बे हजीरा और ट्रॉम्बे, ठीक रतलम कॉम्बे हजीरा और ट्रॉम्बे, ये कहाँ पे हो गया हमारा, इस साइड हो गया। ये तो हमारा एंड होता है क्या, ये खत्म होता है गैस पाइपलाइन, ठीक ये भी हो गया हमारा। अब लास्ट क्या बचता है, ऑयल पाइपलाइन एग्जिस्टिंग, ठीक वो भी हम देख लेते हैं, इससे पहले इसको अच्छी तरह से साफ मतलब रब कर देते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, ऑयल पाइपलाइन एग्जिस्टिंग जिसको हमने येलो कलर से शो किया है, बाकी जो जो हमारा हो गया उसको मैंने वाइट कलर से टिक कर दिया ताकि वो मिक्स ना हो। ठीक इसमें आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर से टिक किया है जो जो हो गया हमारा। ठीक अब हम क्या देखेंगे, इसे देखते हैं। तो पहला क्या हो गया हमारा, पहला हो गया जलंधर, जलंधर हो गया, फिर लुधियाना हो गया पंजाब में है, ठीक जलंधर लुधियाना, फिर अंबाला हो गया, ये अंबाला हो गया, और ये क्या है JLA, जलंधर लुधियाना अंबाला और ए और करनाल, ठीक JLA के, ठीक जलंधर लुधियाना अंबाला और करनाल। इसके बाद हमारा ये दिल्ली है जिसको हमने पहले पढ़ा है, लेकिन ये दो चीज़ों के लिए कॉमन है, एक हमारा जो प्रोजेक्टेड वाला था ऑयल पाइपलाइंस, और दूसरा किसके लिए है, ऑयल पाइपलाइन एग्जिस्टिंग के लिए, ठीक ये दोनों के लिए कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिल्ली, दिल्ली, ठीक इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद आएगा मथुरा, मथुरा हम यहाँ ले जाते हैं मथुरा को, मथुरा, मथुरा हो गया हमारा। मथुरा के बाद क्या आएगा, इसको हमने आपको बताया ही था कि कैसे टूट गया, ये हो गया क्या हमारा सवाई माधोपुर, इसको मैंने रेस नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके लिए भी है, किसके लिए, ऑयल पाइपलाइन एग्जिस्टिंग के लिए भी, ये तीनों के लिए कॉमन था, हमने पहले भी आपको बताया है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक। फिर इससे हम अगर वाइट येलो कलर को देखते हुए यहाँ पे आए, ये येलो कलर हमारा यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक आया है, ठीक मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ, ऐसे करके आया है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया है, और ये यहाँ तक आया, ठीक। तो ये दोनों पहले भी हमने देखे हैं, इसके लिए भी ये क्या था हमारा गैस पाइपलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हमारा, ये हो गया अंकलेश्वर, इसको हमने पहले भी देखा अंकलेश्वर, ठीक अंकलेश्वर हो गया हमारा। फिर ये इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक ये हो गया हमारा अहमदाबाद, 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 ठीक अहमदाबाद हो गया। ये हमने पढ़ाई था क्या है, ये हमारा कॉम्बे है, कॉम्बे हो गया, और इसके नीचे क्या है हजीरा हो गया, ठीक हजीरा हो गया। तो क्या क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया अंकलेश्वर हमारा, फिर अहमदाबाद, और ये क्या है कॉम्बे है, और ये हजीरा हो गया। तो ए ए सी एच, ए ए सी एच,
ठीक अंकलेश्वर अहमदाबाद कॉम्बे हजीरा इधर का यहाँ तक एंड हो गया। अब बाकी बचता क्या है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन बचता है इतना। हमने यहाँ पे यहाँ से चला है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और बाकी इधर साइड बचेगा। ठीक तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं हम, तब आगे देखते हैं। सवाई माधोपुर मिटा देते हैं इसको, तीनों के लिए कॉमन हमने इसको पहले ही देख लिया है। ऊपर ऊपर भी रख कर देते हैं, काफी स्पेस है यहाँ पर भी। ठीक इधर का रहने देते हैं, ये हो गया हमारा। क्या आप देख सकते हैं ये वाला हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आया है और ये वाला भी इसमें है। ट्रॉम्बे हमने पढ़ लिया था लेकिन इसमें जॉइंट है तो उसको दोबारा पढ़ेंगे। ये ब्लू कलर यहाँ से जुड़ा हुआ था, इसके लिए हमने पढ़ा था लेकिन कोई नहीं, इसके लिए पढ़ लेते हैं। ये क्या हमारा ट्रॉम्बे हो गया, ट्रॉम्बे हो गया। ठीक फिर ये हो गया हमारा मुंबई, मुंबई हो गया। और ये क्या हो गया, इसको भी हमने पढ़ा था, किसका क्या है ये बॉम्बे हाई। ठीक बॉम्बे हाई हो गया। इसके बाद हमारा पुणे आता है, पुणे हमारा ये हो गया पुणे। बहुत लोग इसको पुणे भी पढ़ते हैं तो आपकी मर्जी, पुणे पढ़े आप पुणे। फिर इसके बाद क्या आता है, पहले हम इसको देख लेते हैं, इसे यहाँ पर लिखते हैं। ठीक तो स्पेस में श्रेय का मान लिखेंगे। ये हो गया हमारा गुलबारगा, ठीक गुलबारगा हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया रायचूर, रायचूर हो गया। और ये हो गया हमारा गुलबारगा रायचूर और जयपुर। मिर्जापुर हो गया। तो क्या क्या हमने देखा, हमने देखा ट्रॉम्बे, फिर मुंबई, फिर बॉम्बे हाई, उसके बाद पुणे देखा और फिर यहाँ पे बीजापुर, फिर रायचूर, उसके बाद गुलबारगा। ठीक अब हम क्या देखेंगे, ये कोलकाता हल्दिया भी हम लिख देते हैं, इसे हम रख कर दे रहे हैं। ये है हमारा कोलकाता, ठीक। और ये क्या हो गया हल्दिया, कोलकाता हल्दिया। ठीक अब इस साइड का हम देख लेते हैं, फिर इधर आते हैं हम तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कानपुर। और ये इसे ये मत समझिएगा, और ये क्या है सुल्तानपुर। ठीक और ये हो गया, एक मिनट इसको नीचे ले आते, इसको ऊपर ले जाएंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया बारौनी, मैंने पहले भी इसको पढ़ा, बारौनी हो गया। और ये सिलीगुड़ी हो गया, सिलीगुड़ी। ठीक तो
क्या क्या हो गया, कानपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, और ये बारौनी, और ये क्या हो गया, सिलीगुड़ी। इसे हम रख कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। हमारा या तो हमारा इसे हम और आगे लिखते हैं। ये हो गया हमारा क्या, पोंगई गांव, हमने पहले भी देखा इसको, पोंगई गांव, ठीक, पोंगई गांव हो गया। और ये क्या हो गया, इसको भी हमने पहले देखा, क्या है ये, नहर कटिया, नहर कटिया, ठीक। और ये क्या है, नूनमती, नूनमती, नून नहीं, नून सॉरी, ये एन है, नूनमती। बहुत लोग मतलब नूनमती अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो उस पर डबल ओ एन दिखाता है विकिपीडिया पे हमारा, तो बहुत लोग नूनमती डबल ओ एन ओ एन डबल ओ एन एम ए टी आई लिखते हैं, लेकिन बुक में जो था एन यू एन एम ए टी आई था, तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। बाकी आप चाहें तो डबल ओ भी लगा सकते हैं यू की जगह। और मैंने सर्च किया यू गूगल पे तो उसमें भी डबल ओ ही दिखा रहा था विकिपीडिया पे। अक्सर सब लोग विकिपीडिया का बहुत सही मानते हैं, लेकिन कोई नहीं, ये बुक में था इस वजह से मैंने लिख दिया, मैं आपको बता भी दे रहे हैं इसीलिए। और ये क्या लास्ट बचता हमारा, डिगबोई, डिगबोई हमने दो चीज़ों के लिए और पढ़ा था, डिगबोई, ठीक। तो हमारा ये ख़त्म होता क्या क्या, पोंगई गांव, और ये नहर कटिया, और ये नूनमती, डिगबोई, ठीक, बी एन एन डी, बी एन एन डी, बी एन एन डी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या ख़त्म होता है, ऑयल पाइपलाइन एग्जिस्टिंग। अब हमारा क्या बचता है, ये मैप का वर्क हमारा ख़त्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी थ्योरी आ गई, इसको भी हम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम इंडिया ऑयल फील्ड्स एंड पाइपलाइंस, ठीक। ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, पहले एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे फिर उसको समझते जाएंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है, मिनरल्स आयल फील्ड, ठीक। पहले हम इसको रीड करते हैं, द मेन आयल फील्ड्स आर एट डिगबोई, नहर कटिया हमने देखा, एंड मोरान इन आसाम, कालोल, अंकलेश्वर एंड मेहसाना इन गुजरात, द ऑफ शोर आयल फील्ड आर एट बॉम्बे, हाई वेजिन स्ट्रक्चर एंड इन द गल्फ ऑफ कॉम्बे, ठीक। ये क्या कह रहा है, कह रहा मतलब मिनरल ऑयल फील्ड के बारे में, द मेन ऑयल फील्ड्स आर डिगबोई, हमने देखा आसाम में यहाँ पे, तो जैसे ये हमने एंड किया था तो यहाँ पे तो था डिगबोई, कोई नहीं, डिगबोई, नहर कटिया ये भी देखा, एंड मोरान ये भी देखा आसाम में, कालोल, अंकलेश्वर इस साइड हमने देखा था, एंड मेहसाना इन गुजरात, यहाँ पे मेन फील्ड पाई जाती है, ठीक, किसकी, मिनरल ऑयल फील्ड की, इतने में। फिर कह रहा है द ऑफशोर, ऑफशोर क्या होता है, जैसे समुद्र में आप हो और तट से बहुत दूर हो तो उसे हम ऑफशोर कहते हैं, ठीक, या अपतटीय कहते हैं। तो द ऑफशोर ऑयल फील्ड्स, जो समुद्र के तट से दूर हैं ऑयल फील्ड्स आर एट बॉम्बे, वो कहाँ पे हैं, बॉम्बे है, इसीलिए जो मैप था हमारा यहाँ पे, जैसे बॉम्बे है, एक मिनट, ये बॉम्बे था तो हम यहाँ पे शो कर रहे थे बॉम्बे है, और यहाँ पे मुंबई, ठीक, बाकी यहाँ पे ट्रॉम्बे वॉम्बे सब था। वही कह रहा कि तट से, ये तट हो गया कोस्टल एरिया, यहाँ से दूर था यहाँ पे हमारा बॉम्बे है, ठीक। तो वही कह रहा है, ऑफशोर ऑयल फील्ड्स आर एट बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई पे है ये ऑफशोर ऑयल फील्ड, बेजिन स्ट्रक्चर एंड इन द गल्फ ऑफ कॉम्बे, कॉम्बे हमने देखा, गल्फ ऑफ कॉम्बे भी यहाँ पे है। फिर अब क्या देखेंगे, ऑयल रिफाइनरीज, ठीक, एट प्रेजेंट देयर आर 18 ऑयल रिफाइनरीज आर अंडर कंस्ट्रक्शन एट करनाल एंड जगदीशपुर, हमने देखा ही था रिफाइनरीज जो अभी उस पर चल रहे हैं, किस पे,
अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं करनाल एंड जगदीशपुर, तो ही था हमारा। ये 18 आयल रिफाइनरीज हैं एट प्रेजेंट, देयर आर 18, वर्तमान में 18 आयल रिफाइनरीज हमारे अंडर किसके हैं, कंस्ट्रक्शन के अंडर हैं, यानी कंस्ट्रक्शन उसमें चल रहा है एट करनाल एंड जगदीशपुर में। ये दोनों जगह पे 18 आयल रिफाइनरीज मतलब बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी। फिर क्या था हमारा, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ए ह्यूज रिजर्व हैज रिसेंटली बीन फाउंड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये क्या कह रहा है नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली। नेचुरल जो गैस है हमारी प्राकृतिक हवा है वो कंसिडर्ड करती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंट के फ्रेंडली की तरह वो बिहेव मतलब कंसिडर्ड करती है, बिहेव करती है फ्यूल, फ्रेंडली फ्यूल की तरह, बिकॉज क्योंकि ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड इस एमिशन। जो नेचुरल गैस होती है हमारी उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है, इस वजह से नेचुरल गैस हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है। फिर लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश। जो लार्ज रिजर्व्स है हमारे नेचुरल गैस के वो कहाँ पे फाउंड है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हो गया। अ ह्यूज रिजर्व यानी अधिक मात्रा में रिजर्व किया गया, हैज रिसेंटली बीन फाउंड इन कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन हमने पहले ही पढ़ा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन पे वर्तमान में रिसेंटली अभी पाया गया कि ह्यूज रिजर्व में बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है ठीक नेचुरल गैस। फिर आता है पाइपलाइंस, हमने देखा उसको तीन थे, द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर हमने देखा उसको। आप अगर कांटेक्ट करेंगे हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर को, हजीरा यहाँ था, विजयपुर यहाँ और जगदीशपुर यहाँ, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इसी को कह रहे हैं हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर ठीक। मैप में हमने देखा, आप देख सकते हैं फिर से, तो 1700 किलोमीटर लॉन्ग है ये ठीक, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ पे जाने में 1700 लॉन्ग किलोमीटर है, मतलब 1700 किलोमीटर है हजीरा से विजयपुर से, मतलब हजीरा से विजयपुर, विजयपुर से जगदीशपुर, इतने का जो डिस्टेंस है वो है 1700 किलोमीटर, तो वही लिखा है यहाँ पे। फिर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स बॉम्बे हाई एंड बेसिन्स विद द फर्टिलाइजर पावर्स एंड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया। ये वेस्टर्न हो गया हमारा, हमने कई बार बताया इस चीज़ को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ हो गया। तो हजीरा यहाँ पे हमारा था और विजयपुर कुछ यहाँ और ये जगदीशपुर यहाँ पे था। वो क्या क्या रहा है, द 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स बॉम्बे, मतलब क्रॉस कंट्री लिंक्स करते, मतलब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1700 किलोमीटर लॉन्ग है जो क्रॉस कंट्री करती है ठीक गैस पाइपलाइन को, लिंक्स क्रॉस कंट्री करके क्या बनाती है, लिंक बनाती है किसके बीच में, बॉम्बे हाई एंड बेसिन के बीच में ठीक, विद द फर्टिलाइजर पावर, फर्टिलाइजर के साथ और पावर के साथ एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस के साथ इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में ठीक। तो ये हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, ये थ्योरी हमारी ख़त्म होती है यहाँ पे। तो ये चैप्टर ही बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी, तो अगर आप देखेंगे इसे बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा भी लगता है चैप्टर, बाकी नॉलेजेबल तो है ही। इसके बाद चार पांच और चैप्टर है हमारे टेंथ के, बाकी टेंथ का पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा ये सीरीज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।